हमारा मिशन है कि हम 1,00,000 पौधे लगा सके और इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा जो काम है हम उस पर लगे हैं। वो आपने देखा होगा एक बारी कतार में लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, हमने इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ तरीक़ों के जो पौधे हैं यहाँ पर लगाने की कोशिश की और ख़ासतौर पर प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए और घर घर में मतलब हर एक फर्द प्लांटेशन पर फोकस रहे। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया भर में किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट कर रही है, अभी टेम्परेचर जो है कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कश्मीर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर भी पिछले 3-4 सालों से कितना ज़्यादा जो मौसम है तब्दील हुआ है, कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, जिस तरीके की शिद्दत वाली गर्मी होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है डिफॉरेस्टेशन है। और डिफॉरेस्टेशन को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके की मतलब जो जिस तरीके से हमने जंगलों को बर्बाद किया, जंगलों को काटा और उसके बावजूद इतना जंग नेचर का नुकसान करने के बाद उसकी भरपाई हमने नहीं की और जो अभी सब हम ये मुसीबतें झेल रहे हैं इन सब की जो है कसूरवार हम लोग ही है। और हमें अब आगे बढ़ना है कि अगर हम देख रहे हैं पेड़ किस बारी कतार में कट रहे हैं तो ये आज के नौजवान पर लाजमी है कि वो हर एक जगह पर इस तरीके के पेड़ पौधे उगाए ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें होगी वो बच सकेंगे, जो इस तबाही के शिकार जो जिस तरीके की तबाहियाँ हो रही है पेड़ काटने की वजह से, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या बाकी जितने भी अलग अलग बीमारियाँ इस वजह से उभर के आ जाती है, ये सारी इन सारी चीज़ों को कम्बैट करने के लिए आज यहाँ के बच्चों के साथ मिलकर के हमने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा हम फुली फोकस्ड है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते करके डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज स्कूल्स के साथ टाई अप करके और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करके इस साल के आखिर तक हमारा मिशन है कि हम 1,00,000 पौधे लगा सके और इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा जो काम है हम उस पर लगे हैं और आने वाले वक्त में हम इसको इंशाल्लाह 1,00,000 पौधे यहाँ पर लगाएंगे। आज हमारा इवेंट हुआ प्लांटेशन ड्राइव के बारे में, हमारे कुछ वॉलंटियर्स वगैरह भी थे और हमारे प्लांट्स आज आए हुए थे, प्लांटेशन ड्राइव हमने आज की। हमें चाहिए कि प्लांटेशन ड्राइव्स में हिस्सा ले और हर एक नौजवान प्लांटेशन करे ताकि जो भी हमारी सराउंडिंग्स है हमें एक फ्रेश एयर मिले। जैसा कि इरफान साहब ने मेरे पहले आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कश्मीर में दिल्ली से ज़्यादा टेम्परेचर आज देखा जा रहा है, ये सब हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से हो रहा है। अब हमें करना है कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें फ्रेश एयर मिले और हमारी जो आगे की नस्लें हैं वो अच्छे से रहें। आपको लगता है इन फ्यूचर भी ऐसी प्रोग्राम्स होने चाहिए? नहीं, हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम्स हो और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करके इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देंगे।